अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असमा बेसिक कुकिंग व्लॉग। आज मैं कड़क गोश्त तल रही हूँ। कढ़ाई रख दिया है, इसमें हम गोश्त डालेंगे। गोश्त डालने के बाद हम इसमें मसाले भी ऐड कर लेंगे। पूरा गोश्त अच्छे से धो के कट कर लिया है। डालने के बाद में इसमें हम डालेंगे मिर्ची, मसाले पूरे। वन टेबल स्पून अदरक लहसुन डाल दिया है। हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नमक। 1 किलो गोश्त में 1/2 टीस्पून से थोड़ा बढ़ के डाला है नमक। आप अपने हिसाब से डालें नमक। 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची अच्छे से मिक्स करके 1/2 ग्लास पानी डालकर पकने के लिए रख देंगे। तेल ऐड नहीं करना है। हाफ ग्लास पानी डाल लिया है, अच्छे से हिला के ढाँप कर रख देंगे पकने के लिए 10 मिनट तक। फ्रीज में एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से पक रहा है, तो हम अब पानी सूखने तक पकने रख देंगे 10 मिनट तक। फिर से चेक करेंगे बीच में। देखिए पानी अच्छे से सूख गया है और थोड़ा उसको भून लेंगे। भूनने के बाद में इसमें देखिए अच्छे से पूरा पानी सूख गया है। इसमें हम 2 टेबल स्पून फुल तेल डाल देंगे। तेल डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से पकने छोड़ देंगे। देखिए अच्छे से हो गया। थोड़ी देर ढाप कर रख देंगे 2 मिनट तक। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। कड़क हो गया था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।